हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा स्टाइलिंग वर्ल्ड। आज मैं आपको पैंट प्लाजो पर बहुत खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। ये देखिए, जैसे मैं ऐड दिखा रही हूँ कि ये हमारा शर्ट का फैब्रिक है और ये हमारा पैंट है। तो जो ये हमारी पैंट है, ये मैंने ऑलरेडी ऊपर से तैयार कर लिया इसकी बेल्ट वगैरह। ये देखिए, ये मैंने बेल्ट वगैरह तैयार कर लिया इसकी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी मोहरी है पैंट प्लाजो की। ये जो मोहरी है, इस पर हम इस फैब्रिक से डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये देखिए कि भाई हम डिज़ाइन कैसे बनाते हैं। जो हमारा ये प्रिंटेड फैब्रिक था, उसमें से हमने 1.25 इंच चौड़ी पट्टी निकाल ली है। अभी हमने 1.25 इंच चौड़ी पट्टी निकाल के इसका हमने इस तरह से डबल करके पाइप बनाना है। ठीक है गाइस, इस तरीके से ये हमने इस तरह से पाइप बनाना है। और इसमें जब हम इसको पलटेंगे तो ये 1/2 इंच का रह जाएगा। और इस तरह से ये पाइप बना लेते हैं हम। ये देखिए गाइस, जैसे ये मैंने आपको बताया कि भी मैंने ये पट्टियाँ प्रेस कर ली हैं। ये देखिए, इनकी हमने सीम्स को सेंटर में लिया है। ये देखिए, ठीक है गाइस। और अब हमने ये जितनी हमारी प्लाजो की मूरी है, सारी मूरी है जितनी, ये देखिए, जैसे हमारा ये प्लाजो है, प्लाजो की मूरी हमारी सारी टोटल में काउंट करनी है। ये देखिए 18 आ रही है। ये देखिए 18 आई हुई है। तो हमने भी जो ये पेस्टिंग है, ये हमने 18 इंच की कट करनी है। और ये हमारी नॉर्मली बेल्ट पेस्टिंग है। ये देखिए, ये मैंने 18.5 में कट किया है। हम 18 में निशान मार्क कर देंगे इसका, इस तरीके से यहाँ पे हम मार्क कर देंगे। ठीक है, और मार्क करने के बाद इसको कट कर देंगे, क्योंकि हमें 18 चाहिए। तो हमारे कटवर्क जो हैं डिस्टर्ब होंगे अगर हम इधर उधर कर लेंगे। ये देखिए, ये हमने 1/2 इंच का निशान लगाना है, एक यहाँ पे 1/2 इंच का, एक इधर निशान लगाना है और 1/2 इंच का इधर मार्क करना है। ये हमने आइडिया से लिया है कि भी 1/2 इंच का मार्क तो कर रहे हैं हम, कि भी दोनों साइड से हमें सेम्स चाहिए ना, तो हमारे कटवर्क सेट आ जाए बिल्कुल। ये देखिए, अभी इसमें हमने ये कटवर्क बनाने हैं। ये हमारा इतना चौड़ा ये कैप है, किसी भी आप बोतल का या उसका ले सकते हो, आप कट भी कर सकते हो। तो हमने यहाँ से स्टार्ट करना है इसको, और बिल्कुल पॉइंट पर रखते हुए, ये देखिए। पर हाँ, आपको एक चीज़ बता दूँ कि भी जैसे कि ये इसमें है ना, ये 1/2 इंच का स्पेस होना चाहिए इसके अंदर, ये 1/2 इंच का, 1/2 इंच तक कटवर्क रखने हैं हमने, इसे नीचे नहीं जाने चाहिए। ये देखिए, इस लाइन को हम स्ट्रेट कर लेंगे। ये देखिए, अब हमने क्या करना है, ये देखिए, यहाँ से हमारा ये कटवर्क आ गया। अब हमने ये दोबारा से इस तरह रखना और यहीं तक फिनिश करना है। ये देखिए, इस तरीके से यहाँ तक ही फिनिश करना है, और इसी तरह से हम सारे में ये ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए गाइस, हमारे जो ये कटवर्क थे, इस तरह से 1/2 इंच इधर आया है। ये देखिए, ठीक है ना, जब हम इसका सेंटर बनाएंगे ना, तो हमारा सेट आ जाएगा। हमारा फिर भी ये थोड़ा बच रहा है। अगर ये मैंने 1/2 इंच का मार्जिन आईडिया से दिया था, ताकि जब हम इसको इस तरह से फोल्ड करें, इस तरीके से फोल्ड करें, तो हमारे ये कटवर्क जो है कट ना हो। हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे, आपको मैं कटिंग करके भी और सारे स्टिच करके दिखाऊँगी। आप मेरी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। ये देखिए, इस तरीके से हमने यहाँ से इस तरह से स्ट्रेट देना है। ये देखिए, इस तरीके से यहाँ से स्ट्रेट देना है। स्ट्रेट देने के बाद ये देखिए, जैसे मैंने ये इसका ये इस तरह से सेट किया था, और इसी तरह से ये देखिए, अब हमने इसको फैब्रिक पे पेस्ट करना है। जो हमारा प्लाजो का फैब्रिक होगा ना, उस पर हम इसको पेस्ट करते हैं। ये देखिए कैसे करना है आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया कटवर्क काट का है ना, उसके बाद हमने क्या करना है, ये फैब्रिक लेना है, और ये डबल हमारा फैब्रिक है। ये देखिए, ये डबल हमारा फैब्रिक है, और इस तरह से डबल फैब्रिक को ये देखिए
हाफ इंच का ऊपर छोड़ना है और कुछ लगभग पौने इंच का नीचे छोड़ना है। ये देखिए इस तरह से जो हमारा ये फोल्ड होगा, ठीक है गाइस। तो हमने हाफ इंच ऊपर छोड़कर और ये देखिए पौना इंच हम नीचे इस तरह से सेंटर में रखना है, ठीक है। और अब हम इसको प्रेस कर देंगे। देखिए गाइस, ये हमने जो पट्टियाँ प्रेस की हैं उसमें से हमने ये दो दो इंच की मतलब रैंडमली दो दो ढाई ढाई इंच की ये पट्टियाँ को कट कर लिया है, ठीक है। और ये हमने पट्टियाँ सारी उसकी जो हमने पट्टी प्रेस किया उसकी हमने ये सारी की पट्टियाँ कट कर ली हैं। और अब हम इसको अखबार पे लगाएंगे। ये देखिए गाइस, ये हमने जैसे कि कटवर्क में बताया था कि भी 18 इंच की हमारी मूरी है प्लाजो की, तो 18 इंच की ही हमने पेपर कट करना है। ये देखिए 18 इंच का ही हमने पेपर कट किया और 2 इंच का हमने चौड़ा लेना है। ये 2 इंच की चौड़ाई लेनी है और ये देख रहे होंगे कि आप हमने इसमें मार्क किया हुआ है, ये हाफ इंच का इधर और हाफ इंच का इधर मार्क किया हुआ है। ये हम इसमें पैटर्न्स रखेंगे। ये जो पट्टियाँ हमने काटी हुई थी वो इसमें रखेंगे। आपको इसमें ये पट्टियाँ रखने से पहले एक चीज़ का ध्यान देना है कि भी हमने जो कटवर्क में भी आधा इंच का निशान सिलाई मार्जिन दिया था वो भी आपको आधा इंच का सिलाई मार्जिन लगाना है। आधा इंच का सिलाई मार्जिन, ये देखिए आधा इंच का ये सिलाई मार्जिन लगाना है। दोनों साइड से हम आधा इंच का सिलाई मार्जिन लगा लेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, पहले एक चीज़ का ध्यान देना है कि भी एक साइड तो हमने ये पट्टी बिल्कुल इस मार्जिन के साथ रखनी है, बिल्कुल इस मार्जिन के साथ रखनी है, और एक पट्टी आधा इंच की दूरी पर। ये देखिए ये जो हमने ये सिलाई का मार्क लगाया और उसके बाद ये आधा इंच की दूरी पर ये हमने इस तरह से लगाई है और ये हमने बिल्कुल पास में लगाई है। इसका क्या रीज़न है ये मैं वीडियो की जब ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी तब मैं आपको इसका बताऊंगी कि इसका क्या रीज़न है। और इसको मैं बिल्कुल आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगी कि ये हाँ काम करता है कि नहीं करता है। बस आपने ये ध्यान देना है जब भी हम ये पैटर्न बनाएँ तो इसमें अपने जो सिलाई मार्जिन है इसके तो हमने बिल्कुल साथ में रखनी है और यहाँ से हमने सिलाई मार्जिन प्लस हाफ इंच छोड़कर एक साइड से ये इस तरह से रखनी है, ठीक है गाइस। और इस तरह से हम इसके बीच में इस तरह से पट्टियाँ ऐड कर लेंगे। उसके बाद में जितना हमारा गैप बचता होगा उसके बाद हमने ये हाफ हाफ इंच के गैप पे इस तरह से ये पट्टियाँ ऐड कर लेनी है। ये देखिए गाइस, जो हमने पेपर पे हाफ इंच का मार्जिन लिया था ना एक्स्ट्रा में, ऊपर देखो ये प्लेन हमने सिलाई के लिए ले रखा है ना, तो यहाँ से ही हमने जो हमने ये कटवर्क में भी हमने हाफ इंच सिलाई का दिया था ये वाला, तो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग से रखना है पेपर के इस तरह से। और ये हमने चेक कर लेना है, ये हमने ना यहाँ से राइट साइड से नहीं इस तरह से ये इसको ऐसे पलटना है इस तरीके से, ठीक है गाइस। ये मैंने आपको दिखाना था तो ये हमने पलट के लगाना ताकि जो हमारा पेस्टिंग वाला पोर्शन है ना वो राइट साइड आ जाए। ये देखिए जितना हमने सिलाई मार्जिन छोड़ा हुआ था ना सिलाई मार्जिन पे ही हमने सिलाई लगानी है। ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है। अब हम जिस तरह से हम बैन कलर पलटते हैं ना इस तरीके से हम इसको पलटेंगे। और देखिए राइट साइड की तरफ हमारी पेस्टिंग आ गई है, जो फिनिशिंग वाली साइड है हमारी, एक साइड हमने पेस्टिंग की थी ना कटवर्क, तो वो कटवर्क हमारे राइट साइड पे आ गए हैं। अब हम इस पर भी सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए गाइस, इस तरीके से हमने इस पे कटवर्क पेस्ट कर लिए हैं। अब हम इसको प्लाजो के साथ जोड़ेंगे, जो हमने पैटर्न तैयार किया है अब हम इसको प्लाजो के साथ ऐड करेंगे। ये देखिए हमारा ये प्लाजो पैंट का राइट साइड है। अब हम बिल्कुल इसके हाँ इस तरह से उल्टा रख के ये देखिए हमारा पैटर्न बिल्कुल इक्वल आया है। जहाँ हमने सीम्स चलाई थी वहीं पे हमने सीम्स चलानी है ताकि जितनी हमें पैंट की लेंथ तैयार करनी है उतनी लेंथ हमारी तैयार हो।
ये देखिए ये अब हमने सिलाई लगा लिया। अब हम इसको पलट के ना एक सिलाई एक पैर की ओर देंगे, जो हम हमारा पेपर अलग हो जाएगा और ये पट्टियाँ रह जाएंगी, तो ये पट्टियाँ दब जाए, इसीलिए हम पेपर के साथ ही इस पर एक पैर की सिलाई ओढ़ देंगे। अब हम कंप्लीट करने के बाद इसको हम डबल फोल्ड करके और इसकी साइड वाली जो फाइनल सिलाई है वो सिलाई लगा के मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए अब हमने सिलाई कंप्लीट कर ली है। हम आपको इसको सीधा करके दिखाते हैं। ये देखिए जो हमने ये एक पैर की सिलाई लगाई थी, ये देखो अखबार निकालने के बाद ये हमारी जो पट्टियाँ हैं ये हमारी इस तरह से रह जाती। ये देखिए हमने ये सिलाई लगाई है, सिलाई लगाने के कारण ये पट्टियाँ जो हमारी दब गई हैं, तब जब हम इसे पहनेंगे तो ये पट्टियाँ पलट के बाहर नहीं आएंगी। ये सिलाई लगाने का ये रीज़न है। और जो एक्स्ट्रा पट्टी होगी हम उसका कट कर देंगे। ये देखिए गाइस, ये हमने इसका पेपर जो है वो कट कर दिया है, सारा पेपर निकाल दिया है इसमें से। ये देखिए अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी है ना, तो कि भी एक पट्टी हमने सिरे पे रखनी है और एक पट्टी में आधा इंच का गैप देना है ना। ये मैंने पेपर पे जब रखी थी पट्टियाँ तो मैंने आपको बताया था। तो ये देखिए कि मैंने ये क्यों करवाया था, क्योंकि ये देखिए कि भी यहाँ पे पट्टी पे इक्वल गैप आ रहा है। ये देखिए ये पट्टी पे इक्वल गैप आ रहा है, पर जब हम इसको साइड से जोड़ते हैं ना तो ये क्या होता है कि भी ये गैप और ये गैप या तो बड़ा बन जाता है, यहाँ पे ज़्यादा गैप आ जाता है, और या फिर ये होता है कि भी दोनों पट्टियाँ साथ में हो जाती हैं, ये दोनों पट्टियाँ साथ में हो जाती हैं, तो दोनों पर सिलाई लगानी यहाँ पर साइड पर मुश्किल हो जाती है। तो इसीलिए कि भी हमने यहाँ पर सारी पट्टियों का गैप इक्वल रहे, तो हमने ये चीज़ आपको, ये टिप्स आपको जो कि कोई नहीं बताएगा, ये टिप्स मैंने आपको बहुत बढ़िया टिप्स दिया जिसकी वजह से कोई कह ही नहीं सकेगा कि आपकी सिलाई कहाँ से शुरू हुई है। ये देखिए गाइस ये बहुत सुंदर डिज़ाइन बन के आया है। ये देखिए आप भी ट्राई करें इसी तरह से, और वीडियो और डिज़ाइन की और टिप्स की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग, बाय बाय।